गाइस आज की शुरू पे हम सीखने वाले फैक्ट शॉर्ट वीडियो को एडिट करना। दोस्तों अगर आप भी एक फैक्ट चैनल है पर ओपन करना चाहते हो और वीडियो को एडिट करके वहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हो तो आप सही बात कर रहे हो। दोस्तों अभी यहाँ पर ट्रेंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या पता हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहे हैं फैक्ट रिलेटेड, आप भी इस तरीके से क्रिएट करके अपने वीडियो को वायरल करना चाहते हो सो यहाँ पर दिक्कत आती है कि दोस्तों किस तरह से एडिट करना है और कैसे नो कॉपीराइट जो वीडियो होते कैटेगरी रिलेटेड उसे कैसे डाउनलोड करके एडिट करना है ये हम सीखने वाले। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर दिए। तो अब हम सीखते हैं कि फैक्ट वीडियो कैसे डाउनलोड करना है नो कॉपीराइट। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल ओपन कर देना है, वहाँ पर सर्च करना है पिक्सल्स। जैसे वहाँ पर सर्च कर दोगे फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको प्लेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में जिस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए उस रिलेटेड आपको सर्च करना है कैटेगरी रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ हेल्थ, उसके बाद यहाँ से सर्च बार में सर्च कर देता हूँ और सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ तरह से एक टाइम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फोटो के बगल में वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे भी उस पर प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर नो कॉपीराइट आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ से दोस्तों आपको किसी भी एक वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड का आइकन आ जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये दोस्तों बेझिझक आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत होनी नहीं होने वाली। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि उसे एडिट कैसे करना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सीधे काइनमास्टर एप्लीकेशन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको टच कर देना है। देने यहाँ से दोस्तों ये दो आइकन आपको दिख रहे हैं, उस पर आपको प्रेस करके कौन सा भी आइकन आपको चूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से मैं वन बाय वन चूज कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये मीडिया में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर में और वहाँ पर दोस्तों जो भी आपने डाउनलोड किया था वो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं तीन फोल्डर यहाँ पर लेके आता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैंने तीन वीडियो यहाँ पर उठा लिए। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से जो लेयर है उस पर आपको टच कर देना है, इस आइकन पर टैप करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरीके से आपको स्क्रॉल कर देना है, बड़ा कर देना है। सो यहाँ पर बड़ा कर देने के बाद इस आइकन पर आपको टैप करके ये लॉक कर देना है। इस तरीके से ये जूम नहीं होगा, इस तरीके से नहीं हिलेगा। उसके बाद दूसरे भी लेयर को इस तरीके से हम बड़ा करके यहाँ पर इस तरह इस वाले आइकन पर टैप करके इसको डन कर देते हैं। ये लास्ट वाली भी है, इसे भी हम यहाँ से इस तरीके से बड़ा करके इस तरीके से करते हैं। और आगे हम बात करने कैसे ट्रांजेक्शन देना और टेक्स्ट कैसे लिखना है वो हम सीखते हैं। तो इस तरीके से आने के बाद स्टार्टिंग पोजिशन पर जाना है, देने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से चले जाना हैड राइटिंग वाले ऑप्शन पर। और उसके बाद उसे इस ब्रश वाले आइकन पर टैप करके इस तरीके से स्क्वायर वाला एक लेना है स्क्वायर। और कलर वाले ऑप्शन पर जाके जो भी आपको आप मनपसंद कलर हो वो आप चूज़ कर देना। अच्छा चलिए यहाँ से मैं येलो कलर यहाँ से चूज़ कर देता हूँ और उसके बाद डन। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से एक सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर देना है, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। और कर देने के बाद दोस्तों सिंपली से ऐसे बैक आना है और उसके बाद फिर से उस पर टच कर देना है। देन ऊपर की साइड इस तरीके से आपको वहाँ पर आपको सेट कर देना है इस तरीके से। और ऊपर आपको जो भी रिलेटेड आपको लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर मैं उसे एंड तक इस तरीके से लेके आता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेके आता हूँ और लेके आने के बाद क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग पोजिशन पर जाना है। देन उसके बाद जाने जाना है आपको लेयर वाले ऑप्शन पर और उसके बाद दोस्तों यहाँ से चले जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। जिस रिलेटेड होगा उस रिलेटेड आप लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ से मैं दिखाने के लिए ये लिख देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर दिख रहा है डबल ए, उस वाले एक्शन पर जाना है सेक्शन पर। और वहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे तो इस आइकन पर टैप करके यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कौन सा भी यहाँ पर मैं जो डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं उसे यहाँ पर मैं चूज़ कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं ए वाला फॉन्ट यहाँ से मैं चूज़ कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ से भी कर देना है डन। तो उसके बाद दोस्तों डन करने के बाद इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ से हम कर जाते हैं कलर वाले ऑप्शन पर और उसके बाद ब्लैक कलर यहाँ से मैं चूज़ कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से कॉम्पोजिशन अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत दिखने में थोड़ा सा यहाँ पर अट्रैक्टिव दिखेगा इस तरीके से। और थोड़ी सी साइज इंक्रीज़ कर दें, ऊपर की साइड हम सेट कर देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों इस तरीके इसके टाइम लाइन यहाँ पर कम है, इसे एंड तक लेके आना है इस तरीके से, जो कि दोस्तों एंड तक इस तरीके से शो करता रहेगा। और ये भी काम हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर ये काम हो चुका है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें, मानो आपका कहीं पर आपको ट्रांजिशन लगाना है, इस तरीके से आप वीडियो प्ले होते रहेंगे तो अच्छा नहीं देगा। उसके लिए प्लस आइकन पर इस तरीके से टैप कर देना है, देन यहाँ पर ट्रांजिशन यहाँ पर मिल जाएगा। ये इस तरीके से ट्रांजिशन करने के लिए इस आइकन पर टैप करके इसे डाउनलोड करना होगा और इस तरीके से स्टार्टिंग में इस तरीके से आपको ट्रांजिशन दिखेंगे। तो कौन सा भी यहाँ पर मैं एक चूज़ कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर ऑसम दिख रहा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइमलाइन भी इस तरीके से आप चेंज करना चाहते हो, ड्यूरेशन इस तरीके से आप ज़्यादा बड़ा कम करके इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर मैं ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। तो आपको डाउनलोड कर सकते हो मन मतलब बहुत सारे मिल जाएगी ट्रांजिशन। अब दोस्तों बारी आती है वॉइस ओवर की, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस आइकन पर आपको टैप कर देना है और दोस्तों जो भी आपकी स्क्रिप्ट आपने लिखी हुई है उसे पढ़कर यहाँ से आप वॉइस ओवर करके उसे क्रिएट कर सकते हो। और जैसे ही क्रिएट कर दोगे यहाँ से डन कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से चले जाना है यहाँ से ऐडो वाले ऑप्शन पर। अगर आपके पास कौन सा यहाँ पर ऐडो है तो उसे आप बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह यूज़ कर सकते हो। तो और ध्यान रखना कि दोस्तों आपका बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको नो कॉपीराइट है, आपको साउंड यूज़ करना होगा। अगर आप कौन सा भी यहाँ पर म्यूजिक
म्यूज़िक यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको कॉपीराइट आ सकता है। तो आपको यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी या मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, नो कॉपीराइट कैसे आपको डाउनलोड करना है। सो उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद उसे इसे वॉल्यूम इस तरीके से थोड़ी सी यहाँ पर कम कर देनी, क्योंकि हमें यहाँ पर वॉइस भी उसे शो करनी है, दिखानी है, इस तरीके से वॉइस भी सुनिए। उसके बाद उसे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से लेयर में जाना है, और लेयर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से चले जाना है मीडिया वाले ऑप्शन पर। अगर आपके पास दोस्तों कोई आपको फुटेज नहीं मिल रही, सिर्फ आपके पास इमेज है, तो भी इस तरीके से यहाँ पर इमेज की वो लेके इस तरीके से इसको बड़ा करके आप दिखा सकते हो, और उसे एनिमेशन भी इस तरीके से इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन भी इस तरीके से दे सकते हो। और दोस्तों आपको क्या करना है, ये तो हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपका वीडियो है दोस्तों, आपको 3 फैक्ट आपने बताए, उसके लिए दोस्तों इस तरीके से आपको क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपको #1 इस तरीके से लिख देना है। जब आपका 1 फैक्ट होता है तो इस तरीके से आपको कोने में इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से कैसे सेट करना है, तो सिंपली दोस्तों एक फॉन्ट इस तरीके से चूज़ कर देना है, और कलर आपको व्हाइट ही रखने देना है। देन यहाँ से नीचे आना है, वहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा बैकग्राउंड कलर का, उस पर इनेबल करके यहाँ से रेड बैकग्राउंड आपको चूज़ कर देना इस तरीके से। देन ओपेसिटी भी इस तरीके से आपको 100% कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से आने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपको कोने में इसे सेट कर देना इस तरीके से। और जब आपका 1 फैक्ट खत्म होता है, उसे आउट एनिमेशन या इन एनिमेशन देके इसे आप इस तरीके से खत्म इसे भी यहाँ पर एंड कर सकते हो इस तरीके से। जब सेकंड आ जाएगा तो आप सेकंड भी इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से चले जाना लेयर वाले ऑप्शन पर, देने से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों जो भी अपने यूट्यूब चैनल का नाम है उसे ऐड कर देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका अपने वीडियो इतने महीने से क्रिएट किया है, कोई आपको कॉपी भी करता है, तो उस तरीके से आपको वीडियो में इस तरीके से आपका नाम भी आ जाएगा। और दोस्तों नीचे की साइड आना है, देन अपने थोड़ा प्रोफेशन दिखने से इस तरीके से बैकग्राउंड कलर इसको इनेबल कर देना है, और इसे भी इस तरीके से एंड तक उसे लेके आना है। सो अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कॉपी आसम दिख रहा है, साथ आपका वॉइस है जो आपने फुटेज लिए है, उस तरीके से फुटेज है, ऊपर नाम है। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल यहाँ से यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, फैक्ट वीडियो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप देखना, काफ़ी यहाँ पर प्रोफेशनल दिखना है। सो वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ऊपर के आइकन पर इस तरीके से सेव भी कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूज़र नेम है टेक स्टाइल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एडिटिंग की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।